स्वामी जी के किए हुए तीन काम बताएंगे। क्यों आखिरकार स्वामी जी को जनता एक बार फिर से मौका दे कि आप स्वामी जी के पीछे क्यों पड़े? आज स्वामी अरबपति आदमी है, आज जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, यानी उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी कुछ है ही नहीं। हमारे बच्चे बीएससी एमएससी कर रहे के हमें आज लो रोजगार नहीं मिला, के स्वामी उस चीज को जानता नहीं, दो बार हमने उसे जीता। जीवन क्यों काटने दिया, अपने कामों के उद्घाटन नहीं खुद कर सकते ये लोग, तो क्या जनता की सेवा करेंगे? विभाग के अनुसार जितनी भी नौकरियां दी हैं हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में, और बीजेपी ने विभाग अनुसार जितनी भी नौकरियां दी है नंबर के साथ, सूची के साथ और नाम के साथ, क्या वो जारी हो सकती है? चुनौती स्वीकार है आप लोगों को? नमस्कार। आज देवभूमि का दंगल बेहद दिलचस्प है, क्योंकि किस्सा कुर्सी का है। आज ग्राउंड जीरो पर हम आप पहुंचे हैं हरिद्वार ग्रामीण। लगातार तमाम क्षेत्रों को, पूरे उत्तराखंड को हम कवर कर रहे हैं, और आज हरिद्वार ग्रामीण का हम जिक्र करेंगे। हरिद्वार ग्रामीण बेहद वीआईपी सीट में से एक सीट है। इसके पीछे की वजह बेहद खास है, क्योंकि यहां से खुद धामी सरकार के मंत्री चुनावी मैदान में रण में ताल ठोकने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी रण में ताल ठोक रही है। तो किसके दावों में कितना दम और क्या है किस्सा कुर्सी में आज हरिद्वार ग्रामीण की कहानी, ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ मेहमान तो जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जिनके लिए हम ये प्रोग्राम ये कार्यक्रम कर रहे हैं वो आवाम हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ सब स्वागत करिए अपना ही खुद का, और साथ साथ आपको रूबरू करवाएंगे हम उन चेहरों से, वो चेहरे जो कि इस वक्त हरिद्वार ग्रामीण में रण में ताल ठोक रहे हैं। और सीधे तौर पर हरिद्वार ग्रामीण की सीट पर कौन कौन से मुद्दे हैं, किसके पक्ष में माहौल है और कौन जीतेगा ये चुनाव, उसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए धर्मेंद्र चौहान। धर्मेंद्र चौहान जी के लिए तालियां प्लीज, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ राजीव चौधरी जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, जो कि यहां चुनावी रण में ताल भी ठोकेंगे, जो कि दावेदार भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र चौहान जी आप ही से शुरुआत करूंगा। धन्यवाद। आपने नारा दिया आपकी बार 60 पार, पक्का कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म। क्या आधार है? क्योंकि धाकड़ धामी है और बड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और हमारे स्वामी जी जब से मंत्री बने हैं तब से उन्होंने बल्लेबाजी शुरू कर दी है। वो तो नाइट वॉचमैन उनको कहा जा रहा है, कह रहे कि नाइट वॉचमैन है। आप कह रहे हैं कि धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए जो उन्होंने निर्णय लिए हैं, चाहे वो अभी लिया गया निर्णय देवस्थान बोर्ड का रहा हो या और भी जो निर्णय है, उन्होंने खुले दिल से निर्णय लिया है, आवाम के लिए निर्णय लिए हैं, तो उन निर्णय पर हम मैदान में जाएंगे। स्थानम बोर्ड तो आपने तो यूटर्न ले लिया, त्रिवेंद्र जी सही थे या धामी जी? जनता सही थी, जनता जो चाहेगी वो बीजेपी करेगी। आपने स्वामी जी का जिक्र किया, तो चलिए उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र है। आप हरिद्वार क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में स्वामी जी के किए हुए तीन काम बताएंगे, क्यों आखिरकार स्वामी जी को जनता एक बार फिर से मौका दे, तीन काम। यहाँ सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो जंगली जानवरों का था। वो जंगली जानवर जो हाथी यहाँ पर आते थे, दूसरे जंगली जानवर आते थे, वो दीवार बनाने का, इतनी बड़ी जो दीवार बनाने का जो काम किया है जंगली जानवरों की रोकथाम के लिए, पहला तो उनका वो काम है। दूसरा मैं कहूँगा कि एक डिग्री कॉलेज उन्होंने लालढांग क्षेत्र में बनाया है, दूसरा डिग्री कॉलेज बहादुरपुर जट में निर्माणाधीन है, एक स्पोर्ट स्टेडियम यहाँ पर बन रहा है बहादुरपुर जट में बन रहा है। और अगर हम स्वामी जी के काम की बात करते हैं तो आप क्षेत्र को देखिए, अगर आप 2012 से पहले का क्षेत्र देख सकते हैं और 2012 और आज में कितना अंतर आपको दिखाई देगा। जगह जगह स्वामी जी के बोर्ड लगे हुए हैं, और ये पूरा का पूरी जो ग्रामीण विधानसभा है दो भागों में बटी हुई है। रसूलपुर मिट्टी बेरी की हम बात करते हैं, वहां पर जो तीसरी उपलब्धि, रसूलपुर मिट्टी बेरी पे आ रहा हूं मैं, वहां पर जो इतना बड़ा पुल बनाया वो स्वामी जी ने बनाया, स्वामी जी ने बनाया। लेकिन कांग्रेस मुस्कुरा रही है, कांग्रेस मुस्कुरा रही है। मैं आता हूं एक सेकंड, आप कह रहे हैं ये तमाम बड़े मुद्दे हैं, लेकिन मैंने तो सुना था यहाँ खनन सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या मैं सही हूँ? खनन है मुद्दा, खनन सबसे बड़ा मुद्दा है, खनन सबसे बड़ा मुद्दा है या नहीं? लेकिन आप मुस्कुरा रहे थे, क्यों चौधरी साहब? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था, मेरे सम्मानित साथी ने अभी एक जो उपलब्धि स्वामी जी की गिनवाई, रसूलपुर मिट्टी बेरी का पुल, पूरा उत्तराखंड इस बात को जानता है कि वो पुल माननीय हरीश रावत जी ने अपनी सरकार के टाइम पे पास किया था। और स्वामी जी, भैया आप, धर्मेंद्र जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था,
मैं उस पुल का निर्माण में एक बहुत बड़ी कहानी है, वो 12 पिलर का पुल हरीश रावत जी ने पास कराया, उस समय स्वामी जी उस पुल के विरोध में वहां इन्होंने जल सत्याग्रह किया था, उस नदी में खड़े हो गए और उस पुल को बनाने में रोकथाम लगाई, और जब सरकार में उसका जो वित्तीय स्वीकृति है वो भी हरीश रावत जी के टाइम में पास हुई। मुझे नरेश जी पता चला कि आप जो है स्वामी जी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, क्यों, क्या वजह? ये जो अभी बात कर रहे थे हमारे कांग्रेस और बीजेपी के लोग, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और धर्मेंद्र भाई को तो मैं 20 साल से जानता हूं और 20 साल से राजीव भाई को जानता हूं, तो इनको इनको अभी ये देवस्थानम बोर्ड की बात कर रहे थे, अब इनसे पूछिए, ये आज धामी जी की तारीफ कर रहे थे, तो इसका मतलब इनका कहने का त्रिवेंद्र जी खराब थे, धीरज जी खराब थे, तो इनके काम से ये संतुष्ट नहीं थे। अब देवस्थानम बोर्ड मैंने तो गठित नहीं किया था, देवस्थानम बोर्ड का गठन किसने किया? भाजपा ने किया, त्रिवेंद्र जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारा चुनाव का यही मुद्दा होगा। आज यू टर्न क्यों लिया उन्होंने? आज ये कह रहे कि हम जनता के उस पर काम करते। चलिए, तो यू टर्न की सरकार है, मेरा सवाल ये था कि आप स्वामी जी के पीछे क्यों पड़े हो? नहीं, मैंने कहा कि भाई यहाँ जो 10 साल में, यदि 10 साल में 10 काम स्वामी जी यहाँ गिनवा दें, तो मैं खुद बीजेपी को वोट करूंगा। तो 3 काम गिनवाए आपके सामने, दोबारा गिनवाऊं? आपने खनन का मुद्दा उठाया था। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए पहले। आप इन्होंने तीन काम गिनवाए, इन्होंने डिग्री कॉलेज गिनवाया। आप मेरे साथ चलिए। यदि धरातल पर डिग्री कॉलेज कहीं हो, अभी चीफ मिनिस्टर साहब आए थे यहाँ जट बहादुरपुर में, जो धर्मेंद्र भाई का ही गाँव है। आप अभी तो जमीन का भी नहीं पता, ये कह रहे निर्माणाधीश है। अभी मैंने कहा ना, आप डिग्री कॉलेज है क्या है? कुछ भी नहीं है। कॉलेज है ना, हॉस्पिटल है, यहाँ सिर्फ बीजेपी खनन कर रही है, गुंडागर्दी हो रही है, पूरी जमीन को खोद कर डाल दी, पूरी सरकार भ्रष्ट है बीजेपी की। ये सिर्फ पेट्रोल और डीजल और जो देखो दाम। आज चौहान साहब तो कह रहे हमने इतना विकास किया है, आप लोग कह रहे कोई विकास नहीं हुआ, और खनन मैंने कहा ना, ये सारे हरिद्वार ग्रामीण के लोग हैं, यहीं के रहने वाले हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ उस चीज को, आप शायद मेरी बात तो आपको झूठी लगे, हो सकता है मैं अपनी पार्टी की तारीफ करूं, लेकिन ये जनता बैठी हो, आप इनसे पूछ लीजिए, हरिद्वार में 10 साल में 2012 में यहाँ स्वामी जी विधायक बने थे, स्वामी जी की क्या स्थिति थी, और आज स्वामी जी कहाँ है आप अच्छे से जानते हैं। वो पहले भी लाल कपड़ों में थे, आज भी लाल कपड़ों में ही है, उन्होंने कोई सूट बूट नहीं पहना हुआ है, वो आज भी जनता के बीच है, पहले भी जनता के बीच है। वही मैं कह रहा हूँ, इतना जरूर है कि आज स्वामी अरबपति आदमी है आज। अच्छा, ये अहम बात है, आप लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार। अभी नरेश जी ने कहा जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, यानी उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी कुछ है ही नहीं, आप लोग बीजेपी कांग्रेस एक ही है। नहीं, ये तो कैंडिडेट है, चुनाव लड़ रहे हैं नरेश शर्मा जी, और दोनों ही पार्टियों ने फाइट करनी है, इसलिए वो अपनी बात कर रहे हैं। मैं धर्मेंद्र भाई, अभी मैं अपनी बात कुछ कह लूं, मैं ये कहना चाहता हूं, इस हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में एक अगर 100 लोगों को नौकरी लगाने वाली भी इंडस्ट्री लगी है तो सिर्फ कांग्रेस सरकार में लगी है। आप इसी गांव के पीछे जाएंगे, आपको 20 इंडस्ट्रियां लगेंगी जिसमें इस क्षेत्र के लोग काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ। एक मिनट भाई साहब, जो मुद्दे हैं मैं आपके पास आऊंगा, आपके हर एक मुद्दे को, जो बात आप रखना चाह रहे हैं, जो मुद्दे हैं उसको उठाएंगे हम आपके मुद्दे उठाने के लिए आए हैं। आप अपनी बात रखिए, अपना नाम बताइए, खड़े होइए। स्वामी जी ने 10 दिन मशीन चलाई, 1 करोड़ रुपया मारा उसमें। मैं कहूंगा, मैं भाजपा को वोट देता है सिर्फ जुलम करने वाले के लिए, मैं पीछे नहीं हूँ, जुलम करने वाले का सत्यानाश करता हूँ। आपका मुद्दा क्या है, कौन सा मुद्दा? यह है कि हमारे बच्चे BSc MSc कर रहे, कि हमें आज लो रोजगार नहीं मिला, कि स्वामी उस चीज को जानता नहीं, 2 ओवर हमने उसे जीता, हम तो नरेश शर्मा के साथ है, चाहे कुछ भी होता रहे, जिनकी हमारी। अच्छा, तो कह रहे स्वामी जी को हमने वोट दिया अब, लेकिन स्वामी जी को वोट नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने विकास नहीं। देखिए, इन लोगों ने जो कह रहे हैं स्वामी जी को वोट दिया, इन लोगों ने वोट नहीं दिया, इन्हें पहले भी वोट नहीं दिया, पहले भी इन्हें वोट नहीं दिया, और जो स्वामी जी के साथ है वो पहले भी थे और आज भी स्वामी जी के साथ है। यहाँ स्वामी जी 12,000 वोटों से जीते हुए हैं, 12,000 वोटों से हरीश रावत का। अच्छा, ये एक एक करके जैसे अभी चौहान साहब ने बताया कि भाई 10 साल में यहाँ किसी बच्चे को रोजगार नहीं दिया, कोई धरातल पर काम नहीं है, तो ये समझो कि सुबरी फिरुपुर चौकी में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, इनको पुलिस उठा ले जाएगी। अभी यहाँ दुर्गागढ़ एक गाँव है, चौहानों का गाँव है,
वहाँ एक लड़के ने कह दिया आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, तो 20 पुलिस वाले जाते हैं। अच्छा, मैं एक सेकंड प्लीज प्लीज प्लीज, झगड़ा नहीं भाई साहब, मैं सभी के पास आऊंगा, प्लीज एक एक करके। आपने कहा भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, मेरा सवाल वही था। एक सेकंड चौहान साहब प्लीज, एक सेकंड, भाई साहब प्लीज एक सेकंड, एक एक करके चर्चा करेंगे, प्लीज एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस, आप ये कह रहे हैं कि जो काम हरीश रावत ने किए उसका सहरा जो है ये अपने सर बांध रहे हैं, आप यही कह रहे हैं। हरीश रावत जो इन्होंने मिट्टी बेरी डिग्री कॉलेज का जिक्र किया, वो भी कांग्रेस पार्टी के टाइम में स्वीकृत हुआ, जो पुल बना है वो भी कांग्रेस पार्टी के देन है। मेरा कहना यह है, स्वामी जी के पास सिर्फ और सिर्फ अवैध खनन कराने के अलावा कोई और उपलब्धि नहीं है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, कितनी बार स्वामी जी ने विधानसभा के अंदर यहाँ बड़े हॉस्पिटल की मांग की, कितनी बार स्वामी जी ने यहाँ इंडस्ट्री की मांग की। मेरे क्षेत्र के नौजवान जो हैं आज पढ़ लिख कर दर दर ठोकरे खाते फिर रहे हैं, जितनी इंडस्ट्री आज भी यहाँ लगी हुई है सब कांग्रेस पार्टी के देन है। स्वामी जी केवल और केवल एक प्रधान लेवल के विधायक हैं रहे हैं, जो गांव के अंदर सड़क बना देना अपनी निधि से ये एक प्रधान का काम होता है, एक बीडीसी मेंबर बनाता है, जिला पंचायत। उन सड़कों के अलावा जो ये बोर्ड अभी मेरे सम्मानित बड़े भाई ने बताया स्वामी जी के बोर्ड लगे हुए, वो तो जिला कांग्रेस पार्टी की जिला योजना की सड़कों पे बना बोर्ड। मतलब आपका आपका सहरा जो ये इन्होंने कहा कि हम काम कर रहे थे, सहरा आप अपने सर बांध रहे, रिबन आप काटते हैं, काम हमने किए, तो क्यों काटने दिए रिबन? रिबन क्यों काटने दिए? अपने कामों के उद्घाटन नहीं खुद कर सकते ये लोग, तो क्या जनता की सेवा करेंगे? जब पुल का निर्माण आपने किया था, जब पुल आपने बनाया था, तो रिबन क्यों नहीं काटा आप लोगों ने? बताइए। अरे जो बनाएगा वही। मेरा कहना यह है स्वामी जी, अभी जो अवैध खनन की बात मेरे मित्र नरेश शर्मा जी ने उठाई, जो अवैध खनन को लेकर मुद्दा, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरा कहना यह है, जितनी नदियां हरिद्वार ग्रामीण के अंदर बहती हैं, जब बरसात का समय आता है तो ये नदियां मेरे क्षेत्र के, मेरे गांव के लोगों को डुबोती हैं, उनको नुकसान करती हैं। लेकिन धर्मेंद्र भाई, जबरदस्ती चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जब बात ना हो तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं आप। प्लीज प्लीज एक एक करके मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। नरेश, नहीं, एक सेकेंड नरेश जी, एक सेकंड, आ रहा हूं मैं आपके पास। नरेश जी क्लियर करेंगे, मैं चाहूंगा पिछली आप आ गए, नरेश जी क्लियर करेंगे। अच्छा एक सेकंड, मैं अभी क्लियर करवा देता हूं। एक सेकंड धर्मेंद्र जी, अभी क्लियर करवा देता हूं। चौधरी साहब, धर्मेंद्र जी एक सेकंड, अभी क्लियर करवा देता हूं। अब नरेश जी बताएंगे, ये कह रहे हैं कि हमने काम किया, हमने विकास किया, कांग्रेस करी, हमने विकास किया, रिबन इन्होंने काटा, किसने विकास किया? उत्तराखंड की जनता ने, हरिद्वार ग्रामीण की जनता ने कांग्रेस को भी मौका दिया और भाजपा को भी मौका दिया। यहां हरीश रावत जी भी चुनाव लड़े, सांसद रहे हरिद्वार से, लेकिन उन्होंने कितने काम किए और कितने काम निशंक जी ने किए, आज सांसद जी का नहीं पता। उसके बाद आप देख लो, जगह जगह पर लोगों ने बोर्ड लगाए हुए हैं कि लापता सांसद। धर्मेंद्र जी ने कहा कि सुनो पहली बात, धर्मेंद्र जी ने कहा कि गारंटी कार्ड बांट रहे नरेश शर्मा, खुद की मेरे बात सुनो, इनके सुन लो, आप भाजपा में, ये आप भाजपा में, यही तो कारण है आप किसी की सुनते ही नहीं। पहले सुन तो लो, मैं आप जल्दी से अपनी बात रखी। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे धर्मेंद्र जी कह रहे हैं ना कि इनके खुद की गारंटी नहीं है, गारंटी पार्टी दे रही, गारंटी पार्टी दे रही है। ओके, एक सेकंड प्लीज, नारेबाजी नहीं, एक सेकंड प्लीज। अच्छा एक बात, एक सेकंड प्लीज, भाई साहब एक सेकंड प्लीज, कार्यक्रम होने दीजिए प्लीज, मैं आप लोगों के मुद्दे उठा रहा हूँ, प्लीज एक एक करके। अच्छा एक सेकंड, बहसबाजी नहीं, चर्चा करेंगे, बहस नहीं करेंगे।
मैं आप लोगों के मुद्दे उठाने के लिए ही न्यूज वर्ल्ड की टीम यहाँ पे पहुंची है। प्लीज एक एक करके अपने बात रखिएगा, मैं सबके पास आऊंगा। जो अपनी बात रखना चाह रहा है मैं सबके पास आऊंगा। प्लीज प्लीज, मैंने आप ही से शुरुआत की थी, मैंने आप ही से शुरुआत की थी, आपके पास पक्का आऊंगा। एक सेकंड, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की भी टीम है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की आम आदमी भी टीम है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ नरेश जी, यहीं से शुरुआत करता हूँ, आप किसकी भी टीम है? हम ना किसी की ए है, ना किसी की बी है, ना किसी की सी है, ना किसी की डी है। हम अपने दम पर, काम के आधार पर, दिल्ली मॉडल पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। आप नौकरी रोजगार सबसे बड़ा ना, मैं तो कह रहा हूँ इसकी मुद्दा बनाइए, मैं कह रहा हूँ मुद्दा बनाइए। ये मुद्दा है, आम आदमी पार्टी बार बार ये ढिंडोरा पीटती है, दिल्ली मॉडल दिल्ली मॉडल। दिल्ली के अंदर हम भी जाते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल जी और मेरे भाई सम्मानित नरेश शर्मा जी बता देंगे कि अपने कार्यकाल में आम आदमी पार्टी ने कितनी सरकारी नौकरियां दी। एक काम करें यहाँ पर ना मैं हम एक काम करते हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार हर विधानसभा में जाकर ये चुनौती दे रहा है। एक चुनौती हम कह रहे हैं कि आप बेरोजगारी रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाइए। सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में बेरोजगारी होना चाहिए, पलायन होना चाहिए। अब मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, आपने कहा हरीश रावत जी ने चुनौती दी, हरीश रावत जी ने कहा इन्होंने 3200 नौकरी कितनी भी नौकरी दी हो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको और बीजेपी दोनों को चुनौती देता हूं, आपने जो विभाग के अनुसार जितनी भी नौकरियां दी हैं हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में, और बीजेपी ने विभाग अनुसार जितनी भी नौकरियां दी हैं नंबर के साथ, सूची के साथ और नाम के साथ, क्या वो जारी हो सकती है? चुनौती स्वीकार है आप लोगों को? मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, मैं हरीश रावत जी की बात नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि हूं। हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में, आपने कहा ना हरीश रावत के कार्यकाल, कांग्रेस के कार्यकाल की बात करता हूं, चाहे 2002 से लेकर 2007 रहा हो, मैं सिर्फ हरीश रावत के कार्यकाल का जिक्र करता हूं। अगर रोजगार के साधन किसी ने मुहैया कराए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने कराए। विजय बोगड़ा ने तो बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया 5000 रुपए। आप चुनौती स्वीकार करते हैं? चुनौती स्वीकार है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जिस कोरोना काल से बीजेपी सरकार ने लोगों को निकाला है वो कोई नहीं कर सकता था। अभी तड़पते हुए लोगों को नहीं देखा आपने? आप कह रहे कोरोना काल से लोगों को निकाला है। प्लीज जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे हरिद्वार ग्रामीण का सबसे बड़ा मुद्दा? सबसे बड़ा एक वही जैसे शिक्षा के विभाग उसमें लेकर क्षेत्र में आज तक स्वामी जी के द्वारा कोई डिग्री कॉलेज या कोई ऐसा नहीं बनाया गया। अब आपने देखा किसानों का आंदोलन चल रहा था, 355 रुपए ऐसे बता रहे, प्रचार ऐसा कर रहे जैसे कोई भीख में दे रहे हो ये पैसे। जो आज महंगाई है, डीजल महंगा हो रहा, सब चीज खाद भी महंगा है, तो इससे तो 400 रुपए रेट होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है एक सेकंड, जनता की भी सुनिए। एक सेकंड नरेश जी आ रहा हूँ, एक सेकंड। वैक्सीन मुद्दा नहीं है, एक सेकंड। एक महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने उठाया किसानों के मुद्दों पर, उन्होंने एक मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि आज आपने, एक सेकंड, आप ही का भाई साहब मुद्दा उठा रहा हूँ, सुन लीजिए, सवाल का जवाब ले रहा हूँ। इन्होंने कहा कि आज आपने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया, कितना बढ़ाया? गन्ने का समर्थन मूल्य यहाँ पर 28 रुपए बढ़ाया गया है। 28 रुपए बढ़ाएगा? एक सेकंड सर, पिछले 4.5 साल में चौहान साहब, एक रुपया नहीं बढ़ाया आपने, 25 रुपए क्विंटल से 350 क्विंटल कांग्रेस ही लेकर आई है, कोई नहीं लाया आज तक। 4.5 साल, एक शर्मा जी एक सेकंड साढ़े चार साल में बीजेपी ने गन्ने का कितना रेट बढ़ाया? 4.5 साल में आपने कितना रेट बढ़ाया? 4.5 साल में अभी यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर 28 रुपए बढ़ा गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि 4.5 साल में आपने कितना बढ़ाया? अभी तो मेरे एग्जैक्ट नहीं है कितना बढ़ाया होगा, पिछली बार ही बढ़ाया था, उससे पहले ये पिछली बार आपने 4.5 साल में एक बार बढ़ाया, और आप ये कह रहे हैं कि हमने गन्ने का रेट बढ़ाया। ओके भाई साहब, नाराज मत होइए, आप पब्लिक हैं, आप अपना खड़े होइए, प्लीज। अच्छा नाम बताइए, पहले नाम बताइए। मेहरबान अली, जिला प्रवक्ता हूँ मैं, है ना? कहाँ का? कांग्रेस से जिला प्रवक्ता। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर मेहरबान अली, डॉक्टर मेहरबान हूँ, 4.5 साल में बीजेपी ने क्या किया ये बता दो आप भाई। भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई, और अरे रुक जाओ भैया, एक मिनट रुक जाओ, इन लोगों ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। अब इन्हीं लोगों ने 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। अच्छा, ये उपलब्धि है इनकी? उपलब्धि क्या? अब जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी में फंस गए हैं, उनके ऊपर जांच बैठती तो उनको बदल दिया गया। आपके मुख्यमंत्री के ऊपर भी तो आरोप लगे ना, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के ऊपर भी आरोप लगे थे, नहीं लगे थे? अब मैं आपके पास आया, अब आप सुन लीजिए। एक मिनट, ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि अब की बार 20,000 से 3700 जीतेंगे,
ये किस बिहाफ पे कह रहे हैं ये पूछ लेता हूँ अच्छा ईवीएम से जीत लेंगे ओके ये कह रहे हैं कि इस बार 20,000 से ज्यादा आधार से ज्यादा पक्का दावा करते हैं कि 20,000 ज्यादा जीतेंगे क्योंकि केवल और केवल हरिद्वार ग्रामीण के अंदर स्वामी यतीश्वर जी हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, आम आदमी पार्टी केवल गारंटी कार्ड पार्टी है और कांग्रेस के पास कोई चेहरा ही नहीं है। ये तो ढूंढ रहे हैं दिया लेकर कांग्रेस देर। अच्छा चौधरी साहब भी तो चेहरे हैं, चौधरी साहब चेहरे हैं क्या? हमारे पास इतने चेहरे हैं, कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी। एक बात, ये कह रहे चेहरे ही चेहरे हैं हमारे पास। सुनिए, अरे अरे सुनिए, स्वामी जी को तो इस बार आम आदमी पार्टी हरा देगी, चिंता मत करो। ये आम आदमी बैठ तो फिर आप कांग्रेस को जितवाएंगे? नहीं, हम जीतेंगे यहाँ। ये तो कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ए और बी टीम है दोनों। अच्छा, ये ए और बी टीम है, जो कांग्रेस है वही भाजपा है, जो भाजपा है वही कांग्रेस है। अब आप देखिए ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, सरकार भाजपा की है, मंत्री कांग्रेस के हैं। पिछली बार 2000 जब से उत्तराखंड राज्य बना है, ये तो भाजपा की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार। आपका दिल तो आज भी भाजपा के लिए धड़कता होगा। मेरा, मैं जिस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ उसके लिए धड़क रहा है। आप मैंने सही बोला क्या? सही बोला है मेरे सम्मानित मित्र जो हैं, मैं यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष था, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे नरेश भाई, और अभी इनका कुछ महत्वाकांक्षा की लड़ाई है कि ये बीजेपी से नाराज होकर। अच्छा, कांग्रेस को जितवाना चाह रहे हैं आप? ना, कांग्रेस को क्यों जितवाना चाह रहे हैं? कांग्रेस तो स्वयं में मजबूत पार्टी है, आम आदमी पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का 57 विधायक थे 70 में से, इतने प्रचंड बहुमत के बाद इन्होंने उस बहुमत का अपमान किया। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई से, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत अच्छा काम करे तो तीरथ को क्यों लाए, और जब तीरथ अच्छा काम करे तो धामी को क्यों लाए? ये ना एक सवाल, मैं उसी सवाल को उठा रहा हूँ। अध्यक्ष क्यों नहीं बनता? आप दूसरा अध्यक्ष क्यों नहीं बनता? आपने आप हरी साहब को क्यों नहीं कर रहे? वो ये कह, मैं कहना चाहता हूँ, तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र फेल थे, इसलिए ये लोग धामी। अच्छा, एक काम करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा के मेरे मित्र से कि क्या 2022 में इनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, ये बता दे। ये कह रहे हैं बीजेपी से पूछते हैं, एक सेकेंड। शर्मा जी, कांग्रेस ने चुनौती दी, इन्होंने कहा कि बीजेपी को मैं चुनौती देता हूँ, बीजेपी बता दे कि इनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूँ कि आप बोलिए कि हमारा चेहरा हरीश रावत ही है। मैं सुनिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस जब विपक्ष में होती है उसके बाद जो है कांग्रेस के जो विधायक चुनकर आते हैं, विधायक मंडल की मीटिंग में तय होता है कि कौन मुख्यमंत्री। विजय बोगड़ा को विधायकों ने चुना था? नहीं, उस समय हम लोग नारायण दत्त तिवारी को विधायकों ने चुना था। विधायकों ने चुना था नारायण दत्त तिवारी, वो सब विधायकों का तय होता है, विधायकों ने अपनी मीटिंग, विधायक तय करते हैं, इसलिए हरीश रावत चेहरा नहीं है। नहीं, हरीश रावत जी भी चेहरा हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। उनको चुनौती दे रहे हैं, आप चुनौती से मैं कह रहा हूं, मैं जब हम सत्ता में होते हैं तब हमारा मुख्यमंत्री चेहरा। हरीश रावत इतनी कमजोर कड़ी हो गई, आप नाम नहीं ले रहे उनका। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब कांग्रेस की जिस राज्य में सत्ता होती है वहां का मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, जहां सत्ता नहीं होती है वहां विधायक तय करते हैं कि कौन चेहरा हो। अच्छा, ये कंफ्यूजन है अभी हरीश रावत के नाम पर। शर्मा जी, हरीश रावत के नाम पर कंफ्यूजन है क्या? बिल्कुल, इन्हें सबके नाम पर डाउट है। अब वो भाई हमारे राजीव जी पहले हरीश रावत जी की टीम में थे, आज किसकी टीम में? अब वो पता नहीं किसकी टीम में, उन्हें भी नहीं पता अभी, क्योंकि वो भी अभी तलाश ही कर रहे हैं, वो भी अभी तलाश कर रहे हैं कि भाई मेरा कहीं भला हो जाए। लेकिन मैं ये मेहनती बहुत है राजीव भाई, मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मेहनती बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चुनाव लड़े यहाँ से। लेकिन इनको कांग्रेस दे तो नहीं रही, हमारे यहाँ तो तय है, मुझे लड़ना है यहाँ से, ये तय है, इनके यहाँ तय नहीं है अभी कौन लड़ेंगे। अच्छा, मुद्दे, कौन अपनी बात रखना चाह रहा है? अपना नाम बताइएगा और खड़े होइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजू नारंग है, और देखिए जो धर्मेंद्र जी ने कहा कि आज हरिद्वार ग्रामीण में इन्होंने जो विकास का नाम बदनाम कर रखा है, एक बदनाम करने का, विकास विकास विकास, आज तक कोई भाजपा सरकार ने किसी का विकास नहीं किया। अगर विकास हुआ है तो इनके विधायकों का, इनके कार्यकर्ताओं का हुआ होगा विकास, लेकिन किसी का विकास नहीं हुआ, सिर्फ जनता को धोखा देने का काम किया। क्या काम नहीं किया? वो कह रहे हैं स्वामी जी ने क्या काम नहीं किया, अगर ये एक भी काम गिनवा दे तो मैं इनको मान जाऊं। इन्होंने एक नहीं काम किया, और अब क्या हरिद्वार ग्रामीण की जनता जो ये हवा में उड़ रहे ना, हवाई बात करें, इनको जमीन पे लाने का काम करेगी हरिद्वार ग्रामीण की जनता। और अब की बार सिर्फ यहाँ से आम आदमी पार्टी के नरेश जी
विधायक बनेंगे पूरी। अच्छा ओके ओके, मुद्दों की बात करेंगे। ओके, दिल्ली में पूरी भाजपा केजरीवाल को हराने पर लगी हुई थी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराने पे पूरी देश की भाजपा लगी हुई थी, लेकिन वहाँ फुल मेजोरिटी में मैंडेट वहाँ की जनता ने आपको दिया, इसलिए बौखलाए हुए हैं ये लोग। आप देखो डीजल का क्या रेट है, खाद का क्या रेट है, ये बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं। यही वो आज भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, आज इनसे किसानों क्या जरूरत पड़गी। चलिए मैं पूछ लेता हूँ। चलिए आज आपके पास देखिए एक सेकंड, ऑक्सीजन से मरने वालों का आंकड़ा नहीं, किसान की मौत का आंकड़ा नहीं, किसानों को मुआवजा देने की बात नहीं, आप कह रहे किसानों के हितेशी हैं। देखिए किसानों के, एक मिनट, किसानों के लिए किसान निधि योजना किसने चलाई, कितनी है, कुछ भी है, चाहे वो 2000 रुपए कोई भी है, इन्होंने एक रुपया दिया, 500 रुपए महीना दिया गया, एक रुपया दिया गया। किसान पेंशन योजना किसने चलाई, किसान फसल योजना किसने चलाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने रासायनिक खादों पे दुनिया भर के रेट बढ़ाए, सब्सिडी सरकार की खत्म करके, और 2000 देके किसानों का अपमान है ये। बिजली के बिल कॉमर्शियल जितने कर दिए किसान के, और आज बिजली के दाम बढ़ा के ये लोग। इतना तय है कि हरिद्वार ग्रामीण का मुद्दा बेहद दिलचस्प है, ये जंग बेहद दिलचस्प है, जहाँ बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। आज ये दोनों लोग किसानों की हित की बात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा सबसे बड़ी हितेशी है, कांग्रेस कह रही हम सबसे बड़ी हितेशी है, लेकिन 5 साल में 28 रुपए भाजपा सरकार ने यहाँ बढ़ाए, जबकि जो यूरिया का कट्टा दुगना कर दिया, डाई का कट्टा दुगना कर दिया। चौहान साहब एक विषय रह गया, ये कह रहे हैं कि गन्ने का भुगतान जो है वो समय पर नहीं होता। गन्ने का भुगतान समय पर हो रहा है, आप लोग चेक कर लीजिए जाकर, जो बोल रहे हैं उनका भुगतान भी हो चुका है। इन लोग ये केवल झूठ बोल रहे हैं, केवल ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा आम इकबालपुर इकबालपुर का क्लियर है, यहाँ हमारा 14 दिनों में गन्ने का भुगतान हो रहा है, 14 दिन के अंदर, 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो रहा है। सबसे बड़ा झूठ है, उत्तराखंड तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोई भी राज्य आप उठा कर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। 2 साल से इकबालपुर सुगर मिल के मेरे छोटे भाई नरेश ने बताया, आज भी धरना चल रहा है, आप लोग जाकर देख। 14 दिन से वो कह रहे 14 दिन में भुगतान कर रहे हैं हम, नहीं पिछले 2 साल का भुगतान है, वो 14 दिन का भुगतान नहीं, पिछले 2 साल की मैं बात कर रहा हूँ, इकबालपुर सुगर मिल की, वो नहीं। तो सरकार किसकी है, सरकार मेरी थोड़ा ही है, सरकार की आपकी है, और हमने तय किया हमारी जिस दिन सरकार बन जाएगी 400 रुपए प्रति क्विंटल हम गन्ना देंगे। ये मंच आपका मंच है, हमारे सहयोगी बताएंगे वो कौन सा मुद्दा है कि आखिरकार जो हरिद्वार ग्रामीण के भीतर छाने वाला है, जल्दी से। ये खनन का यहाँ मुद्दा एक ऐसा है जो कि ये किसकी सह पे खनन चल रहा है, ये मंत्री जी है और वादे करके इतने आते हैं, वादे पूरे नहीं करते मंत्री जी। ग्रामीण बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, इन्हें यहाँ पे सुधार लाना चाहिए। ये खनन का जो मैं मुद्दा बता रहा हूँ, इसपे इतने खनन हरिद्वार में चारों तरफ। अच्छा खनन सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे सहयोगी ये कह रहे हैं। देखिए अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, और न्यूज वर्ल्ड इंडिया की मुहिम है कि हम लोग लगातार हर विधानसभा सीट को कवर कर रहे हैं, और चलते चलते हमारी कोशिश ये है, राष्ट्र एक है, चलते चलते कड़वाहट, यही गन्ने का क्षेत्र है, कड़वाहट खत्म करेंगे, मिलकर खत्म करेंगे। कड़वाहट नहीं है। मैं सिर्फ शर्मा जी देखिए मिलकर कड़वाहट, ये तो जनता जनार्दन तय करेगी किसकी सरकार बनेगी, कौन मंत्री बनेगा, कौन विधायक बनेगा, ये तो जनता तय करेगी। जनता जनार्दन है ना, तो फिर सब मिलके बोलेंगे भारत माता की, सब मिलकर करेंगे भारत माता की जय। तो आखिरकार देवभूमि के दंगल में हरिद्वार ग्रामीण में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन चुनाव कौन जीतेगा ये जनता ही तय करेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही विधानसभा में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।